सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रमित टेक स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने हैं बिहार सरकार की ओर से जो छात्रवृत्ति योजना दी जाती है, पहला से लेकर 12वीं तक को दी जा सकती है, दी जाती है, हर एक वर्ष दी जाती है। देखिए, चाहे वो पोशाक के रूप में हो या चाहे साइकिल के रूप में हो, चाहे स्कॉलरशिप के रूप में हो, सभी को दी जाती है। तो आप लोग को जो है कैसे अपना लिस्ट चेक करना है, लिस्ट में आप लोग को रिजेक्टेड लिस्ट भी दिखा देगा, जिस सबका मान के चले रिजेक्ट हो चुका है वो लिस्ट भी दिखा देगा, और जिस सबका जो है नाम है वो उस लिस्ट में वो भी दिखा जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोग को कक्षा वन से लेकर 12वीं तक का लिस्ट बताऊँगा कैसे आप लोग को चेक करना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, चाहे गूगल हो या क्रोम हो, ओपन कर लेना है। और यहाँ पे क्या सर्च करना है, आप लोग को सर्च करना है बिहार हेल्प। क्या सर्च करना है? बिहार हेल्प। जैसे ही बिहार हेल्प सर्च कीजिएगा, देखिए उसके बाद जो है बिहार हेल्प लिखिएगा, उसके बाद आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट नंबर में एक वेबसाइट दिख रहा होगा, इस पे क्या करना है, आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होते ही आप लोगों को क्या करना है, ऐसे स्क्रॉल करते करते नीचे आना है। स्क्रॉल करते करते आप लोग को और भी नीचे जाना है, और नीचे जाते जाते और नीचे जाना है, और यहाँ देखिए और नीचे जाना है। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा स्कॉलरशिप अपडेट, इस पे दिख जाएगा स्कॉलरशिप अपडेट। तो आप लोग को यहाँ स्कॉलरशिप अपडेट के नीचे एक लोग दिख लेगा बिहार क्लास वन टू ट्वेल्थ स्कॉलरशिप पोशाक छात्रवृत्ति रिजेक्टेड लिस्ट। ये इस पे आप लोग को क्लिक करना है, ये नहीं देखना कि रिजेक्टेड लिस्ट इसमें बताएगा, इसमें सब चीज़ का बताएगा। आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होते ही आप लोग को नीचे आना है, स्क्रॉल करते करते सबसे नीचे आना है, और सबसे नीचे में आप लोग को दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, देखिए यहाँ नीचे में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्टूडेंट पेमेंट लिस्ट। इसके बाद दिखा रहा है बिकम बैंक अकाउंट रिजेक्टेड लिस्ट, और दिखा रहा है पेमेंट स्टेटस। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे क्लिक कर देना है, स्टूडेंट पेमेंट लिस्ट के आगे जो क्लिक हेयर लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा नया पेज ओपन हो चुका है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को नया पेज ओपन हो चुका है, ये पेज दिख जाएगा। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पर आप लोग को डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे मैं मान के चले अररिया डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अररिया डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आपका जो स्कूल है या कॉलेज है या कोई 1 से 8वीं तक का स्कूल रहता है, माध्यमिक विद्यालय या हाई स्कूल या कॉलेज रहता है, उसका जो है कहाँ पर है वो, किस जिला में है वो, और किस ब्लॉक में पढ़ता है वो कॉलेज और स्कूल, वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि ब्लॉक में मैं किसी भी ब्लॉक में, जैसे अररिया ही ब्लॉक में पढ़ता है, तो सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को सर्च बार दिख जाएगा, सर्च दिख जाएगा यहाँ पे साइड में, आप लोगों को क्या करना है उस सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे सर्च पे क्लिक कीजिएगा ये पेज खुलेगा। देखिए इस ये पेज खुलने के बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए नीचे दिख रहा होगा आप लोग का जो है स्कूल का लिस्ट आ चुका है, क्या हुआ है, स्कूल और एवं कॉलेज सब का लिस्ट आ चुका है। जैसे मान कर चलिए आप लोग को, अब उसके बाद आप लोग को पता कैसे चलेगा लिस्ट में नाम है या नहीं, तो सबसे पहले आप लोग को स्कूल खोज लेना है। जैसे स्कूल खोज लेना है, जिस भी स्कूल से है या कॉलेज से है, वो स्कूल या कॉलेज खोज लीजिएगा। जैसे वो खोजिएगा, उसके बाद देखिए आप लोग को, जैसे मान कर चलिए AMS ककरवा में आप पढ़ता है विद्यार्थी, तो उस पर क्या करना है आप लोग को, यहाँ दिख रहा होगा ऊपर में नेम मैच्ड विथ बैंक अकाउंट, क्या लिखा हुआ है, नेम मैच्ड विथ बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ, जो इस सब का जो है, इतना आदमी का जो है, कितना आदमी का दिख रहा होगा आप लोग को, 631 आदमी का जो है नेम मैच कर गया है बैंक अकाउंट से, और जो है 53 आदमी का जो है नाम मैच नहीं किया है बैंक अकाउंट से, और 4 आदमी का रिजेक्ट हो गया है, और जो है आउट ऑफ रिकॉर्ड मतलब टोटल जो है 688 स्टूडेंट का जो है अपलोड है। तो इस सबको जो है स्कॉलरशिप 100% गारंटी है, इस सबको कोई भी स्कॉलरशिप मिलेगा ही, सब स्कॉलरशिप मिलेगा ही 688 आदमी को, और 4 आदमी का रिजेक्ट हो गया है। तो जैसे ही रिजेक्ट लिस्ट आप लोग को चेक करना है, जैसे कि मैं आप लोग को पहले दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों का लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, जिसका रिजेक्ट नहीं हुआ है उसका लिस्ट दिखा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ आप लोग को चेक करना है, तो 631 दिख रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ये फिर से पेज खुल जाएगा। जैसे ही पेज खुल जाएगा तो यहाँ पे आप लोग को नीचे आना है, नीचे दिख रहा होगा आप लोग को, दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे नाम उम्र सब चीज़ दिखा देता है, देख सकते हैं आप लोग के सामने दिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रवेश संख्या लिखा हुआ है, लाभार्थी ID लिखा हुआ है, कक्षा अनुभाग, देखिए कक्षा मतलब कौन से कक्षा में वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे नाम अपने लिखा हुआ है, उसके पापा जी का नाम और उसके मम्मी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे जन्म तिथि लिखा हुआ है, मेल EBC कैटेगरी से वो लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे उसका जो है
आधार नंबर दिख जाएगा यहाँ पे ऊपर, आधार नंबर का 4 डिजिट अंत का, और यहाँ नीचे मोबाइल नंबर का आधार अंत का 4 डिजिट, और यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट दिख जाएगा, बैंक अकाउंट का IFSC कोड अंत का और बैंक अकाउंट का नंबर। देखिए ये सब जो है आप लोग को दिख जाएगा ऐसे ही। और आप लोग को अगर रिजेक्टेड लिस्ट चेक करना है तो क्या करना है, बैक हो जाना है, और रिजेक्टेड लिस्ट अगर चेक करना है तो रिजेक्टेड लिस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे कि 4 आदमी का जो है रिजेक्ट हो चुका है तो इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा रिजेक्टेड लिस्ट निकल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए इस सब का जो है रिजेक्ट हो चुका है, इस सब का जो है MB अरमान ऐसा परवीन इस सब का जो है रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए जो है इसका इस सब का जो है रिजेक्टेड लिस्ट में नाम आ चुका है। अगर आपका भी रिजेक्ट हो गया है तो अपने स्कूल से संपर्क कीजिए या कॉलेज से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि वही लोग सुधार सकता है और उसके अलावा कोई नहीं सुधार सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।